बॉलीवुड के सिंघम कहे जाने वाले अभिनेता अजय देवगन हमेशा से ही अपनी सादगी भरे अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। जहां वो भले ही पर्दे पर जितना सीरियस अंदाज में नजर आते हों, लेकिन उतने ही असल लाइफ में अजय देवगन सीरियस और शांत स्वभाव के हैं। पर बावजूद इसके वो हर किसी को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जहां वो सेट पर अपने को-स्टार्स और फिल्म मेकर्स के साथ काफी मस्ती करते हुए भी नजर आते हैं, पर वो कभी कभी अपने को-स्टार्स या फिल्म मेकर्स के साथ उलझते हुए भी नजर आ जाते हैं। पर ज्यादातर अजय देवगन इन सभी बातों को काफी गंभीरता से लेते हैं और उस बात का समाधान भी निकालते हैं। और एक ऐसा ही वाकया हुआ था फिल्म की शूटिंग के दौरान का, जहां अजय देवगन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो फिल्म डायरेक्टर के पीछे हॉकी स्टिक लेकर दौड़ पड़े थे। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा वाकया आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। दरअसल ये वाकया हम किसी से कम नहीं फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। इस दौरान एक ऐसा वाक्या घटित हुआ था जहां किसी बात को लेकर अभिनेता अजय देवगन और डायरेक्टर डेविड धवन के बीच बहस इतनी ज्यादा होने लगी थी कि उस शूटिंग के दौरान डेविड धवन अजय देवगन से पिटते पिटते बच गए थे। हालांकि सेट पर अगर संजय दत्त मौजूद ना होते तो डायरेक्टर डेविड धवन को अजय देवगन के हाथों काफी पिटना पड़ता। जहां फिल्म हम किसी से कम नहीं में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ अजय देवगन और संजू बाबा यानी कि संजय दत्त भी नजर आए थे और इसी दौरान इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में डेविड धवन के बार बार रीटेक बोलने के बावजूद भी जब अजय देवगन ने सही शॉट नहीं दिया तो इस बात पर डेविड धवन काफी गुस्सा करने लगे थे और बातों ही बातों में डेविड धवन ने अजय देवगन को गाली भी दे डाली थी। और इस गाली को सुनने के बाद अजय देवगन काफी सीरियस हो गए और दोनों के बीच काफी बहस होने लगी। और इस दौरान अजय देवगन ने पास रखी हॉकी स्टिक उठा ली और उसी वक्त डेविड धवन को पीटने दौड़ पड़े, जहां उन्होंने उस वक्त खुद को बचाना ही सही समझा और वहां से भागते हुए नजर आए। लेकिन अजय देवगन तब भी गुस्से में शांत नहीं हुए और इस वजह से जब संजय दत्त ने देखा कि ये मामला काफी उलझता जा रहा है तो उन्होंने अजय देवगन को कसकर पकड़ लिया, जहां संजय दत्त के बीच बचाव के बाद दोनों ने अपने इस बात को सुलझाया और इस तरह डेविड धवन को संजय दत्त ने अजय देवगन के हाथों पिटते पिटते बचाया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अजय देवगन का गुस्सा करना जायज था? क्या उन्हें डेविड धवन के पीछे हॉकी लेकर दौड़ना चाहिए था? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।